हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो में अफ़गानी सलवार को बनाना बताऊंगी, तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, जितना मेरा ये 2.25 मीटर का फैब्रिक है उसको मैंने डबल कर लिया है। डबल करने के बाद मैंने एक फोल्ड और कर लिया है, यानी टोटल हमें यहाँ पर इसको 4 फोल्ड कर लेना है। अब 4 फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसका मेज़रमेंट लेना है। तो मेज़रमेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो जितनी भी हमारी लेंथ है उस लेंथ में मेरी, जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ है, मुझे यहाँ पर 38 इंच रखनी है, और 38 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें ऊपर इलास्टिक डालना है। तो यहाँ पर यानी टोटल मैं यहाँ पर इसमें 40 इंच का यहाँ पर मेज़रमेंट लूँगी, और उसके बाद मैं 1/2 इंच फिर कम कर दूँगी, क्योंकि नीचे की तरफ जो हम अफ़गानी प्लाज़ो बना रहे हैं तो उसमें यहाँ पर जो हमारी स्टिचिंग वगैरह एक्स्ट्रा आएगी तो वो उसी में ही हमारी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 39.5 इंच का मेज़रमेंट लेते हुए इतना सा पार्ट मेरा ऊपर था, फिर जितना मेज़रमेंट लिया था वहाँ से मैंने ये 2 इंच पे एक लाइन और ड्रॉ कर ली है। अब जहाँ से 2 इंच की लाइन ड्रॉ की थी वहीं से उसके नीचे से हमें आसन का यानी क्रोच एरिया का मेज़रमेंट लेना है। तो अब मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर 40 है, तो 40 का मैं यहाँ पर 1/4 करूँगी, तो 10 इंच आएगा, और 10 इंच के अंदर मैं 2 या 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पर 12.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। अगर थोड़े आप ज़्यादा हेल्दी हो तो यहाँ पर आप 3 से 3.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हो, और सेम प्रोसेस है, मैं यहाँ से भी 12.5 इंच पे एक निशान इस तरीके से लगाते हुए मैं क्रोच एरिया पे निशान लगा लूँगी। फिर क्रोच एरिया से मैंने यहाँ पर 2 इंच का मेज़रमेंट लिया है, और यहाँ से 1.5 इंच का मेज़रमेंट लेते हुए मैंने यहाँ पर इसमें क्रोच एरिया का निशान लगा लिया है। उसके बाद आपको नीचे मोरी रखनी है, तो मोरी रखने के लिए जहाँ से हमारा क्रोच एरिया एंड हो रहा है वहीं से हम इसको स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो यहाँ से लेके जितना नीचे तक है तो हम इसको पहले मेजर कर लेंगे, यहाँ से टोटल कितना है, यहाँ से ये जितना भी है, उसके बाद हमें यहाँ पर भी इसी के बराबर इसको लाइन मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो हमने यहाँ पर ये देखिए लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद उस पर हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से इसका मेज़रमेंट दोबारा चेक कर लेती हूँ, तो उसके ठीक है, मेरा मेज़रमेंट बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ की है इसी लाइन पर हमें इसको कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको कट कर लिया है, और जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था उसको भी मैंने अलग कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर, अगर आपके प्लाज़ो में इस तरीके का फ्रंट में डिज़ाइन है तब तो आप यहाँ पर इस पार्ट को कट कर लीजिए, वरना अगर आपका प्लेन है, बिल्कुल फैब्रिक एकदम प्लेन है, तो आपको कट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर, मेरा ये आगे फ्रंट में डिज़ाइन है तो मैं सबसे पहले इसको कट कर लूँगी ताकि मेरा जो डिज़ाइन है दोनों तरफ फ्रंट में आ जाए। और आपका बिल्कुल प्लेन है तो आपको कट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो। तो उसके बाद हमने, मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हमें वापस से फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइन करना है, लेकिन अगर आपका डिज़ाइन नहीं है तो आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट भी स्किप करना है। तो मेरा यहाँ पर ये डिज़ाइन है इसलिए मुझे यहाँ पर ये 2 पार्ट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, वरना अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो आपको यहाँ पर दोनों पार्ट ये स्किप कर देना है। तो मैं इनको जोड़ दूंगी ताकि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है दोनों एक साथ आ जाए। तो इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम फ्रंट और बैक को लेते हुए दोनों पार्ट को हम इसको स्टिच कर देंगे। दोनों पार्ट को मैंने स्टिच कर लिया है यहाँ से इसकी लेंथ की साइड से, ताकि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ जॉइंट हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको खोल के यहाँ पर एक अपर स्टिच भी कर लेना है ताकि इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर मैं पहले इसको अपर स्टिच करूँगी। अपर स्टिच हो गया है। अपर स्टिच होने के बाद अब हमें यहाँ पर दोनों फ्रंट बैक पार्ट वालों को हमने जॉइंट किया था, उन्हीं दोनों पार्ट को हमें आपस में जॉइंट कर देना है। तो मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे इसको, पहले इसको सीधा रखा है और दूसरे वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा रख देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको भी उल्टा रख दिया है। उसके बाद देखिए, हम इसको सेट करते हुए जो क्रोच एरिया है वहाँ पर हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पर स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से खोलेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये बिल्कुल
प्लाजो की तरह इसका जो लुक आ गया है। अब हमें यहाँ पर बाकी की जो काम है उसमें ये करना है कि यहाँ पर जो हमें इलास्टिक लगाना है तो इलास्टिक वाले साइड को हमें इसमें फोल्ड करना है। तो हमें यहाँ पर 2 इंच का जो फैब्रिक था उसको फोल्ड करना है, तो पहले हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर इसको वापस से एक फोल्ड और कर लेना है। तो आपको जो फोल्ड किया है उसकी चौड़ाई इतनी रखनी है कि आपका इसके अंदर इलास्टिक आ सके। तो पूरे राउंड में हम इसको स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखूँगी ताकि मैं यहाँ पर इसमें इलास्टिक डाल सकूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको पूरे में इसको फोल्ड कर लिया है, इतना गैप भी रख लिया है। अब हमें इलास्टिक लेना है। इलास्टिक का जो आपका मेज़रमेंट है वो आपको यहाँ पर देखिए, मेरे जैसे 34 कमर है तो कमर के अकॉर्डिंग लेना है और उसमें 4 इंच को आपको कम कर देना, यानी 30 इंच। अब 30 इंच का हमें यहाँ पर इलास्टिक लेना है, तो मैं इसको फोल्ड करके मेज़र कर रही हूँ, तो यानी 15 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है। और जब सिंगल हम इसको मेज़र करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर पिन की हेल्प से इसके अंदर इलास्टिक को डाल लेना है। जिस तरीके से हम सलवार और में नाड़ा डालते हैं वैसे ही हमें इलास्टिक को भी पिन की हेल्प से उसी तरीके से इसके अंदर डाल लेना है। और डालते हुए पूरे राउंड में उसके बाद हमें दूसरी तरफ से इसको निकाल लेना है। तो पहले इलास्टिक को अच्छे से ध्यान से डालना है ताकि हमारा इलास्टिक वो बिल्कुल भी अंदर से मुड़े ना, बिल्कुल यहाँ पर इसमें सीधा रहे, ताकि हम इलास्टिक में जब स्टिच करेंगे तो हमारा इलास्टिक बिल्कुल सीधा रहेगा। अब दोनों तरफ से देखिए ये इलास्टिक हमारी थोड़ी थोड़ी बाहर है, दोनों इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक है वो बिल्कुल जॉइंट हो जाए इसे अच्छे से और खींचने से बिल्कुल भी टूटे ना। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर स्टिच हो गया है। उसके बाद हम इलास्टिक को अंदर डाल देंगे और अंदर डालने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमने पार्ट खुला रखा था उसी पार्ट पे हमें इसको स्टिच कर देना है। और स्टिच करने के बाद अब हमें इलास्टिक को सेट करना है, तो इस तरीके से खींचेंगे ताकि जो इलास्टिक में जो ये जो क्रीज बनी है वो पूरे में एक जैसी बन जाए। उसके बाद हमें इसके ऊपर अपर स्टिच करनी है, तो इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए हम इसमें पूरे राउंड में अपर स्टिच कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर देखिए अपर स्टिच हो गई है, तो ऊपर का पार्ट बन के हमारा रेडी है। अब नीचे का पार्ट हमें लेना है, तो नीचे के जो बॉटम वाला पार्ट है उसमें मैं यहाँ पर एक अलग से स्ट्रिप लगानी है। तो जो स्ट्रिप का मेज़रमेंट है मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है, लेकिन मुझे जो इसकी मोरी है 6 इंच ही रखनी है और यहाँ से मैंने इसकी 3 इंच ली है। तो मैंने थोड़ा सा पार्ट हमें फोल्डिंग के लिए यानी जो अंदर हमारा मार्जिन के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये सेंटर का पॉइंट लेना है, तो मेरा तो सेंटर का पॉइंट यहाँ पर स्टिच आ गया है तो मेरा सेंटर पॉइंट है। अगर आपका सीधा डायरेक्ट प्लेन वाला फैब्रिक था तो आप कट लगाते हुए इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए और दोनों सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। तो स्ट्रिप को हमें नीचे रखना है और उसके बाद हमें सेंटर में सबसे पहले हमें यहाँ पर बॉक्स प्लेट लगानी है। बॉक्स प्लेट मतलब अल्टरनेट लगानी है, दोनों एक लेफ्ट हमें यहाँ पर लेफ्ट में अगर प्लेट्स लगानी है, दूसरी वाली हमें राइट में घुमाते हुए इसको प्लीट्स लगानी है। तो देखिए दोनों में जिसकी डायरेक्शन है दोनों की चेंज रखी है, तो हमारी यहाँ पर ये एक बॉक्स प्लेट बनके रेडी हो गई है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये एक ही डालनी थी बॉक्स प्लेट, उसके बाद इसके अल्टरनेट हमें यहाँ पर प्लीट्स लगानी है। जैसे इस वाली बॉक्स प्लेट का मुँह जो इस तरफ है, तो सारी हमें प्लीट्स को इसी तरफ से हमें इसको लगा लेना है। तो पहले मैं यहाँ पर एक तरफ से यहाँ पर सारी प्लेट्स को लगा लूँगी और साइड में जो लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा प्लेन छोड़ दूंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि मुझे मोरी यहाँ पे 6 इंच की रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आप छोटी रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग इसमें मोरी को रख सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतना ही इसमें फ्लीट्स डाले हैं, यहाँ वाला जो पार्ट है मेरा एक्स्ट्रा है क्योंकि ये वाला हमारा यहाँ पर स्टिच में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस है, दूसरी वाली साइड हमें प्लेट्स लगा लेनी है। जिस तरफ इसका मुंह है सेम उसी तरीके से हमें इसको प्लेट्स को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से ऊपर लाएंगे और थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो जहाँ पर हमारी स्टिच थी वहीं से हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब जो हमने हाफ इंच लेंथ वाले टाइम हमने इसको कम लिया था, तो हम इसका जो फोल्डिंग वाला टाइम हमारा ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद चाहो तो आप ऊपर से इस तरीके से लेस भी लगा सकते हो अगर डिज़ाइन देना चाहते हो। तो मेरे यहाँ पर जो डिज़ाइन है सिल्वर कलर का था, तो मैं यहाँ पर सिल्वर लेस यूज़ कर रही हूँ। या फिर इस तरीके से आप चाहो तो अंदर की तरफ यूँ लेस को डालते हुए सिर्फ ये जो डिज़ाइन दिख रहा है आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो आप दोनों पैटर्न से लगा सकते हो, चाहे ऊपर से लगाइए या फिर अंदर से। तो मैंने यहाँ पर अंदर से लगा ली है। उसके बाद हमें यहाँ पर
इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जो बीच वाली सिलाई होती है उसमें हमें प्लाजो में बीच वाली सिलाई को लगा लेना है। देखिए हमारी सिलाई लगने के बाद हमारा यहाँ पर अफगानी प्लाजो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छे इसके क्रीज बने हैं और साथ साथ में इसका जो लेस का लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने यहाँ पर अफगानी प्लाजो बना के अपने सूट को रेडी कर लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।